बिलाड़ के इंडियापाड़ा गांव में आदिवासी कुल के वारली समाज के गजूभाई रविभाई वारली जो गांव में स्थित त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी गजानन महाराज से हाल में पहचाने जाते हैं। गजानन महाराज पिछले 25 सालों से खूब गरीब परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे थे और एक दिन अचानक उनके घर एक साधु के रूप में महादेव जी प्रकट हुए, ऐसा गजानन महाराज ने बताया। तब गजानन महाराज को यह महादेव मंदिर बनाने की प्रेरणा और पूजा करने की कुदरत की कृपा मिली। इस गांव में पहले एक भी मंदिर नहीं था, परंतु वर्ष 2004 में इंडियापाड़ा गांव में महादेव की कृपा से गजानन महाराज द्वारा एक मंदिर का निर्माण करने में आया। गजानन महाराज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कलयुग के इस काल में साक्षात महादेव जी मेरे पास एक साधु के रूप में आए थे, जिसके बाद यह मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर हाल में ओम त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और भविष्य में गजानन महाराज द्वारा 51 शक्तिपीठ का भव्य महादेव मंदिर का निर्माण अंदाजन 6 करोड़ की लागत से किया जाएगा। यह 51 शक्तिपीठ भव्य महादेव मंदिर भविष्य में दक्षिण गुजरात में एक ऐतिहासिक मंदिर बने और देश विदेश में इसकी चर्चा हो, ऐसे प्रयत्न फिलहाल चल रहे हैं। आ दुनिया में आ भारतवर्ष में तमाम व्यक्तिगत ने मारे भगवान ने साथे जे चर्चा थी से ये देश ने अपने आमंत्रण कर रिया है कि मारे एक सामान्य स्थिति सामान्य एक शरीर सामान्य गाम ने अंदर हूँ जन्म ले चुको। आ धरती पर खरेखर जोवा जाए तो आ इंडियापाड़ा बिलाड़ गाम ने बाजू में उमरगाम तालुक जिला वलसाड नरोली चेकपोस्ट ने बाजू में आवेलू ओम त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर एनो पुजारी गजू महाराज तरीके कही से पण संतो गजानन महाराज तरीके आज मने ओळखे छे। मारे एटली चर्चा से देश विदेश दुनिया ने कि भाई अत्यारे बीमारी साथे आपणे लड़ी रिया छे तो शंकर भगवान अमरा देश में अमरा गाम में अमरा द्वार में पोते साधु अवतारित थी अमरा साथ 1.5 कलाक बेसी अमरा साथ जे कहीं हमने मारी परिस्थिति ने समझी मारा दुख ने समझी लाखों वर्षनों जे पुण्य तपेलू से आ जन्म ने जे कहीं परीक्षा थी और महादेव तीजु नेत्र प्रगट कर चुका से आ देश में अने आ दुखनो निवारण से तीजु नेत्र एटले ज्वाला अग्नि रूप से धरती पर परलय पण करी सके से धरती पर सर्जन पण करी सके एटले मारा महादेवनी कृपा तमने बधाने मळे तमारो दुखनो निवारण थाय तमारा घर परिवार में सारी रीते सुखी थाय एवी मारी विनंती छे। एक सामान्य झूपड़ी में रहीने मारा जीवन ने आनंद माटे मारा परिवार ने आनंद माटे हूँ एक सामान्य फोटा ने पूजा करी अने भगवाने तमाम सत्ता आपी पछी थी मारी इच्छा थई कि आ देश में गाड़ी बंगला तो छे ज पण आ बंगला ने जे रक्षा माटे हूँ भगवान ने प्रार्थना करी ली एले प्रभु तारू घर बनी जाए तारू शिवालय निर्माण थई जाए एमां अनेकनो एक जीवन जीवानो एक आ ऑक्सिजन मोकलावे छे। शिवालय एटले ऑक्सिजन छे एने आपणे दुरुपयोग न करी शकीए एनी काळजी आपणे राखवा जोईए। तो आ मंदिरनो खरेखर जे उत्पत्ति होय तो परमात्मा ने नामथी बाकी मारे पास एक 4 आना नहीं हता कोईने पण खबर छे आ देश में तो एनाथी मैं जे परमात्मा ने मैं जे प्रार्थना करी ने प्रार्थना द्वारा मारी समझी ने मैं आखा गाम में रखड़ी भटकी ने मारी निंदा खूबज करी। जो हरा रस्ता पर जशो तो तमारी निंदा थाय तमारा उपर दुख आवे पण जेना भक्त श्री प्रहलाद ने जेम बचावी शक्या तो ए मारो महादेव बचावी शके। अनेक युग थी तमे जो तो बधा देवता ने बचाव्या छे तो आजे एक कोरोना महामारी में पण आपणे फसी रह्या छे तो एमांथी बचवा माटे पण अहीं अमे एक शिवालय निर्माण कर्युं छे। बहुत सामान्य रीते आज आ धरती पर लोगों दुख दर्द जता रही पछी अमने जो कोई दान दक्षिणा आपीने अमे आ निर्माण करी दीधुं छे शिवालय अने हवे पछी थी हूँ 51 शक्तिपीठनो आ भारत देश माटे माँ जगदम्बा सतीनो ज्यारे सब ज्यारे अग्निकुंड में ज्यारे बढ़ीने भस्म थयो अने मने विचार आयो के अहीं एक तीर्थ यात्रा बनावाने मने इच्छा छे देश माटे विदेश माटे लोको माटे एक शांतिनो स्थळ आपणे बनावीए आ गुजरात दक्षिणने माटे। तो एक 51 शक्तिपीठनु पण निर्माण माताजीनो 6 करोड़ बजेट छे एमां तमाम देशवासीओ अहीं पोतानो जीवन धन्य माटे माना खोड़ामां बेसी अने आपणुं जीवनने धन्य बनावो आजे छे काले आपणे नथी निर्गुण निराकार साथे रहीने आपणे पण निर्गुणमां आपणे समाई जवाना छे एटला माटे हूँ तमारी खूब ज लोकोनी प्रार्थना हूँ करवा माँगुं छूं अने तमने जे कंई मुसीबत तकलीफो होय ए आ जगह पर आवीने तमारी मुसीबत विना मूल्य दूर करी शको। तमारा पाटे संपत्ति हशे तो सारा काम में वापरशो ए तमारी प्रगति छे बाकी तो आ देश नी अंदर में हवे जीवा जेवू नथी केम के लोको पयावारा कहे के अत्यारे अमारे जीवन नथी पैसा कोई काम लागता नथी काम लागशे तो सारा काम में एज मारी विनंती छे देश माटे।